आरुषि मर्डर केस को करीब 10 साल हो चुके हैं, लेकिन इस मर्डर की मिस्ट्री अब भी ज्यों की त्यों बरकरार है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुछ टाइम पहले आरुषि के पेरेंट्स को बरी कर दिया था, लेकिन अब इस मामले में उस वक्त ट्विस्ट आ गया जब कोर्ट के इस फैसले को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। और अब इन सारी बातों का निचोड़ वापस उसी सवाल पर आकर रुक गया है कि आखिर आरुषि को मारा तो मारा किसने। साथ ही अब आरुषि की मौत पर टीवी की इशिमा का दर्द भी छलका है। जी हाँ, दरअसल सीबीआई के फैसले के बाद दिव्यांका ने अपने ट्विटर के जरिए सच और न्याय की बात रखी। साथ ही उन्होंने लिखा कि ये इन्वेस्टिगेशन काफी लंबी खिंची है। दिव्यांका लिखती हैं, ट्रुथ मस्ट कम आउट, जस्टिस मस्ट बी सर्व्ड, बट व्हाट इफ दे आर इनोसेंट, वी ट्रीट बीइंग इन देयर शूज, व्हाट इफ एनी ऑफ अस वाज पार्ट ऑफ दिस लॉन्ग ड्रैगिंग इन्वेस्टिगेशन। आपको बता दें कि दिव्यांका ने इस ट्वीट के जरिए एक सवाल भी उठाया है, क्या हो अगर आरुषि के पेरेंट्स वाकई बेगुनाह हैं? फिलहाल दिव्यांका के इस ट्वीट पर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए।